बच्चों, हम लोग सिल्वर वाइडिंग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग सिल्वर वाइडिंग पाठ के प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो लिखिए, जसोदर बाबू की पत्नी समय के साथ ढाल सकने में सफल होती है। जसोदर बाबू की पत्नी समय के साथ ढाल सकने में सफल होती है, लेकिन जसोदर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर लिखिए। जसोदर बाबू की पत्नी सुशील और समझदार है, पूर्ण विराम। वह आधुनिक समय के नए नए विचारों में ढलना जानती है। व्यवहारिक ज्ञान भी यही सिखाता है कि इसे समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे हमें मित्र के रूप में समझें। पर जसोदर बाबू अपने परंपरागत सिद्धांतों पर ही चलना चाहते हैं। उन्हें आज की पीढ़ी की नई सोच ढकोसला लगता है, अतः वे अपने और अपने परिवार के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाते और हाशिए पर चले जाते हैं। प्रश्न नंबर पहला का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप प्रश्न नंबर दो लिखिए। पाठ में जो हुआ होगा, एक इनवर्टेड कॉमा में बंद कीजिए, जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं सकती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। उत्तर लिखिए। पाठ के आधार पर हम जो हुआ होगा, एक इनोटेड कामा में बंद कीजिए, कि तीन अर्थ छवियां निकाल सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, पता नहीं क्या हुआ होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। किशन दा की, दूसरा है किशन दा की निराशा, पूर्ण विराम। तीसरा, किशन दा के प्रति लोगों का ध्यान न जाना, पूर्ण विराम। आज बस इतना ही, कल आगे आपको और प्रश्न लिखाए जाएंगे।